हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता चल गया होगा कि कोरोना के चलते आपका 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक का स्टैंडर्ड 9 का जो बुक है, उसमें कौन सा सिलेबस, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपका निकाल दिया गया है या रिड्यूस कर दिया गया है। देखिए, तो चलिए आपका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर पे आइए, पेज नंबर 1 पे देखिए, जो टॉपिक आपका रिड्यूस कर दिया गया है वो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया गया है। आपका चैप्टर नंबर 1 है, देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। ये देखिए पेज नंबर 1, तो वहां पे देखिए जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया गया है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। कैन यू टेल, लेट्स ट्राई दिस, नीचे देखिए थिंक अबाउट इट, ये जो तीन टॉपिक थे वो तीनों के तीनों आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 2 पे देखिए, यूज योर ब्रेन पावर बोल के आपको एक एक्टिविटी करनी थी, वो आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दी गई है। उसी पेज पे ऑलवेज रिमेंबर बोल के जो कॉलम था वो भी आपका निकाल दिया गया है। पेज नंबर 3 पे नीचे देखिए ऑलवेज रिमेंबर का कॉलम निकाल दिया गया है। पेज नंबर 4 पे देखिए, लेट्स ट्राई दिस बोल के एक एक्टिविटी करनी थी वो भी आपके लिए रिड्यूस कर दी गई है। पेज नंबर 5 पे देखिए, यूज योर ब्रेन पावर बोल के एक आपको कॉलम था वो आपका निकाल दिया गया है। पेज नंबर 6 पे देखिए, यूज योर ब्रेन पावर वो भी आपका निकाल दिया गया है। पेज नंबर 7 पे आइए, पेज नंबर 7 पे देखिए कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। पेज नंबर 8 पे भी कौन सा भी टॉपिक आपके लिए निकाल नहीं दिया गया। पेज नंबर 9 पे भी लास्ट में देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नीचे जो लेट ट्राई दिस बोल के आपको एक्टिविटी करनी थी वो आपकी रिड्यूस कर दी गई है। पेज नंबर 10 पे देखिए, ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट, जो आपका कॉलम है 5, जिसमें 5 पॉइंट दिए गए वो पांचों के पांचों पॉइंट आपके रिड्यूस कर दिए गए। नीचे देखिए 11, पेज नंबर 11 पे सॉल्व एग्जांपल में आपको 4 सॉल्व एग्जांपल पे थे, उसमें जो फर्स्ट 2 एग्जांपल थे एग्जांपल 1 एंड 2 वो आपके रिड्यूस कर दिए गए। नीचे आइए पेज नंबर 12 पे, कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। पेज नंबर 13 पे देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नीचे लेट ट्राई दिस बोल के आपको पॉइंट ए और बी था वो आपका सिलेबस से आपके लिए निकाल दिया गया है। पेज नंबर 14 पे देखिए, यूज योर ब्रेन पावर एंड लेट ट्राई दिस, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 15 पे देखिए, पेज नंबर 15 पे कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। पेज नंबर 16 पे भी आपका कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। पेज नंबर 17 पे भी आपका टॉपिक कौन सा भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं कर दिया गया। पेज नंबर 18 ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 18 से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा भी आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से रिड्यूस नहीं कर दिया गया। हर एक चैप्टर में आपको एक छोटा छोटा आपका पॉइंट क्या है वो रिड्यूस कर दिया गया है। वीडियो अंत तक देखिए, मैंने सभी पॉइंट जो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए वो रेड कलर में हाईलाइट कर दिए। आपके वीडियो को लाइक की मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए पेज नंबर 18 पे देखिए, यूज योर ब्रेन पावर का जो कॉलम है वो निकाल दिया गया। पेज नंबर 19 पे आइए, कौन सा भी टॉपिक रिड्यूस नहीं कर दिया गया। पेज नंबर 20 पे देखिए, वहां पे आपको एक थिंग्स बिफोर यू आंसर, वहां पे आपको 5 टॉपिक थे या 5 पॉइंट थे वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 21 पे देखिए, ट्राई दिस बोल के आपको एक एक्सपेरिमेंट करना था वो आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। उसी पेज नंबर 21 पे देखिए, इंस्टीट्यूट एट वर्क वो भी आपका निकाल दिया गया है सिलेबस से। पेज नंबर 22 पे कोई भी टॉपिक नहीं रिड्यूस हुआ। पेज नंबर 23 भी उसके लास्ट में देखिए, यूज योर ब्रेन पावर का जो टॉपिक है वो निकाल दिया गया है। पेज नंबर 24 में स्टार्टिंग में देखिए, आपको तीन ट्राई दिस में आपको 3 पॉइंट थे वो आपके लिए रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 24 पे अपना कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 25 पे आइए, पेज नंबर 25 में लास्ट में देखिए, ट्राई दिस बोल के एक एक्सपेरिमेंट है वो आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 26 पे कोई भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 27 पे आपको एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन तो आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 28 पे आपके लिए कौन सा भी टॉपिक आई पे रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 29 पे भी आपको एक प्रोजेक्ट था वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 13 पे देखिए, पेज नंबर 30 पे स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 3, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी पेज पे देखिए, ट्राई दिस पे आपको वही पे भी एक एक्सपेरिमेंट करना था वो भी आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 31 पे आइए, वही पे वह कौन सा भी टॉपिक आपके लिए रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 32 पे देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट एंड डू यू नो, ये दोनों के दोनों कॉलम आपके लिए कम कर दिए गए। पेज नंबर 33 पे आइए, वही पे देखिए, डू यू नो बोल के आपको एक कॉलम था वो आपका आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 34 पे भी देखिए, एक ब्लू कलर का जो कॉलम दिखाई दिया मैंने जो रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है वो भी आपका रिड्यूस हो गया। उसके नीचे देखिए साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन था वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 35 पे आइए, थिंक अबाउट इट बोल के कॉलम है वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। उसी पेज में लास्ट में देखिए, आपको ऑब्जर्व बोल के एक एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी थी वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है। पेज नंबर 36 पे देखिए, कुछ सिंबल्स और उसका एक कॉलम था वो पूरा का पूरा पेज ही आपके लिए सिलेबस से निकाल दिया गया है। देखिए 36 पूरा पेज आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 37 पे आइए, आपको ट्राई दिस बोल के एक एक्सपेरिमेंट करना था वो भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 38 पे देखिए, सॉल्व एग्जांपल में आपको 4 वही पे 4 सॉल्व एग्जांपल थे, उसमें जो एग्जांपल नंबर 1 एंड 3 देखिए पेज नंबर 38
वन एंड थ्री आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। उसी पेज में लास्ट में देखिए यूजिंग आईसीटी का जो कॉलम था 38 पे वो भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 39 पे आइए, पेज नंबर 39 पे कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 40 पे देखिए डू यू नो बोल के कॉलम है वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 41 पे डू यू नो का कॉलम आपका निकाल दिया गया है। पेज नंबर 42 पे आइए, पेज नंबर 42 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 43 पे देखिए यहाँ पे दो टॉपिक रिड्यूस हुए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का एक कॉलम और नीचे देखिए प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों भी कॉलम आपके रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 44 पे आइए, यही पे आपका कौन सा भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 45 पे देखिए एक प्रोजेक्ट था जो आपका करना था जो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 46 पे देखिए चैप्टर नंबर 6 उसी में देखिए कैन यू रिकॉल बोल के आपको तीन क्वेश्चन पूछे थे वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 47 पे आइए, उसे देखिए लास्ट में एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट बोल के आपका एक कॉलम था 47 पे वो आपका पूरा का पूरा ब्लू कलर का कॉलम आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 48 पे भी स्टार्टिंग में आपका एक ब्लू कलर का कॉलम था वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। उसी पेज पे नीचे देखिए कैन यू रिकॉल बोल के आपको दो क्वेश्चन पूछे थे वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 49 पे आइए, पेज नंबर 49 पे देखिए रिसर्च बोल के आपको एक कॉलम था एलिमेंट्स का वो भी आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 50 पे आइए, देखिए ये आपका पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पे देखिए कैन यू टेल एंड नीचे देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये दोनों के दोनों कॉलम जो मैंने जहां तक वो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिए वहां तक वो आपके लिए रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 51 पे आइए, पेज नंबर 51 पे देखिए ट्राई दिस बोल के आपको कुछ तो एक्टिविटी थी 4 पॉइंट्स की वो भी आपकी रिड्यूस कर दी गई है। उसी के नीचे थिंक्स अबाउट इट एंड कैन यू टेल बोल के जो 2 पॉइंट थे वो भी आपके सिलेबस से आपके लिए निकाल दिए गए। पेज नंबर 52 पे देखिए राइट साइड में ऑलवेज रिमेंबर बोल का एक कॉलम था वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। पेज नंबर 53 पे देखिए वैलेंसी के नीचे आपको कैन यू रिकॉल बोल के दो क्वेश्चन पूछे थे वो भी आपके लिए रिड्यूस कर दिए गए। उसी पेज पे देखिए साइंस कैप्सूल बोल के कॉलम था ब्राउन कलर का वो भी आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे देखिए एक आपका कोई तो आपके इन्फॉर्मेशन कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जो येलो कलर के कॉलम में थी वो भी आपकी सिलेबस रिड्यूस कर दिए जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिए। कलर पेज नंबर 54 पे आइए, यही पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है ऑलवेज रिमेंबर एंड रिसर्च, ये दोनों के दोनों आपको सिलेबस से निकाल दिए गए। 55 पे देखिए कैन यू टेल और यूज योर ब्रेन पावर बोल के जो टॉपिक थे वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। उसी के नीचे देखिए यूजिंग आईसीटी उसी पेज पर वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। 56 पे आइए, वहां पे रेडिकल्स का जो आपका एक कॉलम था वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 57 पे देखिए यहाँ पे कौन सा भी टॉपिक आपके लिए रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 57 पे आपका स्टार्ट 58 पे स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 5, वहां पे देखिए आपका ये पूरा का पूरा पेज ही आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 58 सॉरी, बाद में देखिए पेज नंबर 59 पे वही पे जो कंटिन्यू होता है पेज नंबर 80 से वो देखिए ऊपर वाले साइड में जो दो लाइन है जो कि 58 से कंटिन्यू होती थी वो आपके लिए रिड्यूस कर दी गई है। 59 पे देखिए अभी उसी पे देखिए कैन यू रिकॉल बोल के आपके दो पॉइंट है दो चार पॉइंट है वही भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए जहां तक मैंने हाईलाइट कर दिया गया है। पेज नंबर 60 पे देखिए आपको यूज योर ब्रेन पावर बोल के जो एक्टिविटी थी वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है। 61 पे देखिए 61 पे कोई भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 62 पे देखिए यूज योर ब्रेन पावर बोल के आपको टू क्वेश्चन पूछे थे वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। 63 पे देखिए 63 पे कौन सा भी टॉपिक ऐसे रिड्यूस नहीं हुआ। 64 पे भी एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं कर दिया गया। 65 पे देखिए 65 पे भी आपका एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। यहाँ पर आइए 66 पे देखिए ऑलवेज रिमेंबर यूज योर ब्रेन पावर एंड ट्राई दिस बोल के आपके जो तीन कॉलम है वो तीनों के तीनों आपके लिए रिड्यूस कर दिए गए। बाद में आइए पेज नंबर 67 पे, पेज नंबर 67 पे देखिए यूज योर ब्रेन पावर बोल के जो तीन टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 68 पे एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 69 पे देखिए यहाँ पे एक येलो कलर में जो लाइन थी वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए वहां पे कोई तो इन्फॉर्मेशन दी थी। नीचे आइए पेज नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 पे देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 71 पे फिर देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। पेज नंबर 72 पे देखिए यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर लेट यूज योर ब्रेन पावर एंड वेबसाइट की कुछ तो इन्फॉर्मेशन थी तीनों के तीनों कॉलम आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिए गए। नीचे आइए पेज नंबर 73 पे देखिए रिसर्च बोल के आपको एक एक्टिविटी करनी थी वो भी सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है। पेज नंबर 74 पे देखिए कौन सा एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं। पेज नंबर 75 पे स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इसलिए साइंटिस्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी राइट साइड में नीचे जो येलो कलर में दिखा रही है वो आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दी गई। पेज नंबर 76 पे आई यहाँ पे ऑब्जर्व बोल के एक एक्टिविटी करनी थी आपको क्रिप्टोग्राम्स में जो आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दी गई है। उसी पेज पे नीचे देखिए ऑब्जर्व एंड डिस्कस का कॉलम भी आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे आइए पेज नंबर 77 पे यहाँ पे देखिए यूज योर ब्रेन पावर ए भी टॉपिक आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 78 पे देखिए
एनजीओस्पर्म में आपको कोई तो ट्राई दिस बोल के कुछ तो एक्टिविटी करनी थी, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है। पेज नंबर 79 पे देखिए ऑब्जर्व एंड वेरीफाई में आपको मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन का डिफरेंस था, वो भी आपके लिए सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। बाद में पेज नंबर 18 वापस स्टार्ट होता है आपका यूजिंग आईसीटी, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे आइए पेज नंबर 81 पे देखिए लुकिंग बैक में आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। वहां स्टार्ट होता है अपना चैप्टर नंबर 7। नीचे देखिए वहां पे ऑब्जर्व फूड चेन एंड फूड चेन वेब का एक ऑब्जर्वेशन था, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। उसी पेज पे यूज योर ब्रेन पावर बोल के एक्टिविटी थी, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई। नीचे आइए पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पे यूज और ब्रेन पावर की एक्टिविटी आपके लिए कम कर दी है, जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दी गई। पेज नंबर 83 पे देखिए थिंक अबाउट इट यूजर ब्रेन पावर, ये भी आपके लिए डिलीट कर दिया गया है। पेज नंबर 83 पे देखिए यूजर ब्रेन पावर इंस्टीट्यूट एट वर्क, ये भी आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 84 पे कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 85 पे बोले देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी या रिएक्शन थी, आपके लिए सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है। उसी पेज पे डू यू नो एंड थिंक अबाउट इट का जो कॉलम था, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे आइए पेज नंबर 86 पे देखिए डू यू नो बोल के जो कॉलम है वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। पेज नंबर 86 हो गया। पेज नंबर 87 पे कोई भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं। पेज नंबर 88 पे स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज द यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। उसी के स्टार्टिंग पेज में देखिए यूज योर ब्रेन पावर एंड डू यू नो का जो कॉलम था, वो दोनों के दोनों आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए पेज नंबर 88 पे। पेज नंबर 89 पे देखिए यूज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसी के नीचे एक रिसर्च की एक्टिविटी थी, वो दोनों को दोनों जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिए, वो भी आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिए गए। नीचे आइए पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पे देखिए यहाँ पे ईस्ट बोल की जो एक्टिविटी थी, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना था, वो भी आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे आइए पेज नंबर 91 पे देखिए डू यू नो यूज योर ब्रेन पावर, ये दोनों के दोनों जो कॉलम है आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिए गए या निकाल दिए गए। उसी पेज में लास्ट में देखिए इंस्टीट्यूट एडवर्क बोल के आपको एक इंस्टीट्यूट की जो हमारा पुणे में उसकी क्या एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की, वो भी आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दी गई। लास्ट में देखिए पेज नंबर 92 पे वहां पे था क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट एंड उसी पेज पे वंडरफुल टू नो, जो मैंने रेड कलर में तीनों कॉलम हाईलाइट कर दिए, वो तीनों के तीनों आपके लिए सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। नीचे आइए पेज नंबर 93 पे देखिए एक भी टॉपिक आप पर सॉरी यहाँ पे एक टॉपिक है जो एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, वो आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया। बाद में आता है हमारा पेज नंबर 94। ये देखिए पेज नंबर 94 में जो नीचे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन का एक टॉपिक है वो छोड़कर पूरा का पूरा पेज ही आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे आइए पेज नंबर 95 पे, वहां पे तो आपके एक्सरसाइज है, वहीं से कोई भी एक्सरसाइज का एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 96 पे स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। वहां पे आपका पहले पेज पे तो एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 97 पे देखिए वहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड, ये टॉपिक आपका रिड्यूस कर दिया गया, जो ब्लू कलर में आपका एक पूरा कॉलम था। पेज नंबर 98 पे देखिए इंस्टीट्यूट एट वर्क एंड यूजिंग आईसीटी बोर्ड के जो दो कॉलम थे, दो ब्राउन एंड येलो कलर में, वो दोनों के दोनों आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। नीचे आइए पेज नंबर 99 पे देखिए ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जो आपका एक कॉलम है चार लाइन का एक पैरा था, वो आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 100 पे आइए, पेज नंबर 100 पे जो था आपका गार्बेज प्रोडक्शन पर डे का जो कॉलम था, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 101 पे देखिए मेक लिस्ट एंड डिस्कस में आपको क्लासिफिकेशन का एक था, डोमेस्टिक एक वेस्ट का क्या है हमारा एक क्लासिफिकेशन का एक पूरा का पूरा कॉलम था, वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है या निकाल दिया गया है। पेज नंबर 102 पे देखिए यूजिंग आईसीटी बोल के कॉलम था, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 103 पे आइए, उस 103 पे कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 104 पे देखिए पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट का जो कॉलम था, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। उसी पेज पे देखिए अपीप इनटू द पास्ट बोल के एक कॉलम है आपका, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई देगा तीन लाइन का, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, वो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया गया है। 104 पे देखिए 104 कंप्लीट हो गया, सॉरी 105 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 106 पे देखिए 106 पे भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 107 पे आइए, वहां पे भी एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ। 108 पे स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 10, दैट इज द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का। वही पे देखिए स्टार्टिंग में ही देखिए कंप्लीट द टेबल बोल के कंप्लीट एक चार्ट आपको कंप्लीट करना था, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। उसी साइड में देखिए नीचे राइट साइड में फाइंड आउट का जो येलो कलर का मैंने जो रेड कलर में हाईलाइट कर दिया गया है, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 109 पे आइए, 109 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 110 पे भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 111 पे देखिए यहाँ पे भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 112 पे देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 113 पे देखिए इंस्टीट्यूट एट वर्ड बोल के एक इंस्टीट्यूट की आपकी इन्फॉर्मेशन थी, वो आपकी रिड्यूस कर दी गई है।
114 पे देखिए एक भी एक्टिविटी रिड्यूस नहीं हुई। 115 पे देखिए आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग में देखिए कैन यू रिकॉल बोल के आपको टू क्वेश्चन पूछे थे और कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, वो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिए वो आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। उसी के नीचे देखिए एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट बोल के टॉपिक था वो भी रिड्यूस कर दिया गया है, एंड कैन यू रिकॉल बोल के एक क्वेश्चन पूछा था वो भी आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 116 पे आइए, पेज नंबर 116 पे देखिए कैन यू टेल बोल के आपको टू क्वेश्चन पूछे थे और भी सिलेबस से निकाल दिए गए। पेज नंबर 107 पे देखिए ट्राई दिस बोल के आपको एक एक्सपेरिमेंट करना था वो भी आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 180 पे एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 119 पे भी आपका एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 120 पे भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 121 पे देखिए यहाँ पे भी आपका कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 122 भी आपका एज इट इज है, कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। आप आइए पेज नंबर 123 पे, वहां देखिए ट्राई दिस बोल के आपको कोई एक्टिविटी थी वो आपकी सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है। पेज नंबर 124 पे आइए, अभी पेज नंबर 120 पे भी एक भी टॉपिक आपका कम नहीं कर दिया गया। 125 पे देखिए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, और दोनों के दोनों आपके सिलेबस से जो ब्लू कलर में एक कॉलम था वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 126 पे आइए, यहाँ पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 127 पे देखिए ऑलवेज रिमेंबर का टॉपिक आपका सिलेबस से निकाल दिया गया है। पेज नंबर 128 पे स्टार्ट होता है आपका स्टडी ऑफ साउंड, दैट इज द चैप्टर नंबर 12। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कॉलम है नीचे रिसर्च बोल के, जहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे थे वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। 129 पे देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड को नीचे ट्राई दिस बोल के आपको 4 पॉइंट का कोई तो एक टॉपिक था वो पूरा का पूरा आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। बाद में आइए पेज नंबर 130 पे देखिए अ पीप इनटू द पास्ट बोल के जो कॉलम है ब्राउन कलर का वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। पेज नंबर 131 पे देखिए यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड का जो टॉपिक है ब्लू कलर में जो कॉलम था वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। उसी के नीचे ट्राई दिस बोल के एक एक्सपेरिमेंट करना था वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। पेज नंबर 132 पे आइए, यहाँ पे देखिए यूज योर ब्रेन पावर एंड साइंटिस्ट टू द सराउंडिंग्स, उसी के नीचे रिवर्बेशन बोल के ये तीनों के तीनों कॉलम जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिए वो पूरे के पूरे आपके सिलेबस से आपके लिए निकाल दिए गए या रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 133 पे आइए, यूज योर ब्रेन पावर में देखिए एक क्वेश्चन पूछा था वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे आइए पेज नंबर 134 पे, यहाँ पे एक टॉपिक है फाइंड आउट एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये दोनों टॉपिक आपके लिए रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 135 पे आइए, वहां पे लास्ट में देखिए ऑलवेज रिमेंबर बोल के एक 3 लाइन का आपका प्यारा था जो कि कॉलम में दिया गया था वो पे आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। 136 पे देखिए यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए, उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। देखिये पेज नंबर 137 पेज नंबर 137 पे एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 138 पे आइए, वहां पे देखिए कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, स्टार्टिंग में देखिए कैन यू रिकॉल एंड ट्राई दिस, पेज नंबर 138 दोनों के दोनों भी आपके सिलेबस से देखिए रिड्यूस कर दिए गए। उसी पेज पे लास्ट में देखिए कैन यू टेल बोल के आपको कुछ क्वेश्चन थे वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। 139 पे स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन था वो भी सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी के नीचे देखिए साइंस कैप्सूल बोल के कॉलम था वो भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। पेज नंबर 140 पे आइए, वहां पे देखिए एक पीपी इनटू द पास्ट का जो आपका कॉलम है जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे आइए 141 पे, वहां देखिए ट्राई दिस बोल के आपको एक एक्सपेरिमेंट करना था अपराटस वगैरह दिया गया था वो सभी के सभी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किए। नीचे आइए पेज नंबर 142 पे देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 143 पे भी आपका एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन 144 पे देखिए स्टार्टिंग में फिर एक एक्सपेरिमेंट था वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे आइए पेज नंबर 144 उसी पेज पे देखिए नीचे फिर एक एक्सपेरिमेंट था वो भी आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 145 पे देखिए फिर एक्सपेरिमेंट जो 144 को कंटिन्यू करता था 145 पेज नंबर पे वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया गया है। उसी पेज पे देखिए नीचे यूज योर ब्रेन पावर बोल के आपको एक क्वेश्चन पूछा था वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। 146 पे आइए, 146 पे देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 147 पे देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। पेज नंबर 148 पे देखिए स्टार्टिंग में यूजिंग आईसीटी बोल के जो कॉलम था वो आपका सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 149 पे देखिए आपकी एक्सरसाइज है एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 150 पे देखिए स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट होता है सब्सटेंस इन कॉमन यूज, उसमें देखिए कैन यू रिकॉल एंड क्लासिफाई बोल के जो दो टॉपिक है दोनों के दोनों आपके सिलेबस से रिड्यूस हुए। उसी पेज पे डू यू नो एंड ट्राई दिस के तो दोनों कॉलम है वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। नीचे आइए पेज नंबर 151 पे, वहां पे देखिए डू यू नो का जो कॉलम है आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। 152 पे देखिए रिसर्च का जो टॉपिक है वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। उसी में देखिए नीचे फाइंड आउट का वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 153 पे आइए,
वहां से एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 154 पे भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 155 पे देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट बोल के जो ब्लू कलर का टॉपिक है लेफ्ट साइड में कॉलम था, वो आपका पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। नीचे आइए 156, यहाँ पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। बाद में देखिए पेज नंबर 157, यहाँ का जो एक येलो कलर का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द वेरियस फील्ड्स आर फॉलोज, वो जो एक आपका कॉलम था वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। बाद में देखिए नीचे आइए पेज नंबर 158 पे देखिए, अ पीप इनटू द पास्ट बोल के कॉलम था वो आपके सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। उसी पेज पे देखिए ऑलवेज रिमेंबर बोल का एक कॉलम है नीचे, वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। 159 पे आइए एक भी टॉपिक, सॉरी यहाँ पे एक टॉपिक है जो फाइंड आउट एंड ट्राई दिस बोल के, वो दोनों को दोनों आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 160 पे आइए, वहां पे देखिए लास्ट में कैन यू टेल बोल के आपको कुछ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस दिए थे, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। 161 पे आइए, 161 पे देखिए वहां पे जो आपका एक ब्लू कलर का एक कॉलम है जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है, वो आपको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 162 पे आइए, एक भी टॉपिक यहाँ पे रिड्यूस नहीं हुआ। 163 पे देखिए स्टार्टिंग होता है आपका चैप्टर नंबर 15, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पे देखिए वहां पे एक भी टॉपिक यहाँ पे रिड्यूस नहीं है। पेज नंबर 164 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं है। 165 पे देखिए डू यू नो का कॉलम रिड्यूस कर दिया है, रेड कलर में हाईलाइट है। पेज नंबर 165 पे देखिए ऑलवेज रिमेंबर वो भी सिलेबस से रिड्यूस है। पेज नंबर 166 पे देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 167 पे आइए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 168 पे देखिए यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर बल के जो दो टॉपिक थे वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। नीचे आइए पेज नंबर 169 पे देखिए डू यू नो का कॉलम ब्लू कलर का सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 170 पे देखिए डू यू नो का कॉलम जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है वो भी सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। पेज नंबर 171 पे आइए एक भी टॉपिक यहाँ पे रिड्यूस नहीं है। 172 पे देखिए कैन यू टेल बोल के आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 173 पे देखिए एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं है। पेज नंबर 174 पे देखिए फाइंड आउट का जो टॉपिक है वो आपका सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 174 पे आइए, 175 पे देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 176 पर एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 177 पर भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 178 पे देखिए यहाँ पे भी आपका कौन सी भी एक्टिविटी रिड्यूस नहीं है। पेज नंबर 179 पे स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 16, दैट इज द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यहाँ पर देखिए एक भी पॉइंट यहाँ पे 179 पे रिड्यूस नहीं कर दिया गया। 180 पे देखिए 180 पे फाइंड आउट बोल के आपको एक एक्टिविटी थी वो भी आपकी रिड्यूस कर दी गई है। 181 पे भी एक भी पॉइंट आपका रिड्यूस नहीं हुआ। 182 पे भी आपका एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। बाद में आइए पेज नंबर 183, यहाँ पे देखिए आपका सीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी बोल के जो टॉपिक है जो कॉलम था वो आपका रिड्यूस कर दिया, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। 184 पे फिर एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन था वो भी सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। 185 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 186 पर भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 87 पे देखिए यूज योर ब्रेन पावर का जो टॉपिक है वो आपका सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। नीचे आइए 188 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 189 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 119 पे देखिए डू यू नो का कॉलम आपका सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। 191 पर आइए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 192 पे देखिए यहाँ पर भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 193 पे आइए वहां भी एक भी एक्टिविटी आपकी रिड्यूस नहीं कर दी गई। 194 पे देखिए इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द चैप्टर नंबर 17, यहाँ पर भी आपका कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 195 पे देखिए डू यू नो बोल के आपको एक एक्टिविटी या कॉलम था वो आपका कॉलम में जिन्हें जो रेड कलर में हाईलाइट कर दिया वो सिलेबस से रिड्यूस हो गया। 196 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 197 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 198 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 199 पे देखिए नीचे ट्राई दिस बोल के आपको एक ऑनियन की जो एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट करना था वो आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया। बाद में आइए 200 पेज नंबर 200 यहाँ पे देखिए एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ। नीचे आइए पेज नंबर 201 यही पे भी आपका एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं है। 202 पे देखिए वहां पे भी आपका एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। 203 पे देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 204 पे एक भी टॉपिक सॉरी 204 पे आपका एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है जो है फाइंड आउट का जो रिड्यूस कर दिया मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया। 205 पे देखिए एक भी टॉपिक आपका है यूजिंग आईसीडी एक वेबसाइट के वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन थी वो आपके सिलेबस से आपके लिए रिड्यूस कर दी गई है। 206 पे देखिए फाइंड आउट का जो तीन टॉपिक या तीन क्वेश्चन थे आपके वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। 207 पे आइए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं। 208 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं।
209 पे देखिए, 209 पे भी एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं, जहाँ पे स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 18, दैट इज द लास्ट चैप्टर आपका। 210 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं, 211 पे हाँ यहाँ पे एक टॉपिक रिड्यूस है, वहाँ पे आपका एक टेलीस्कोप का जो आपका सब हमारा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है उसकी इन्फॉर्मेशन थी, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई, लेकिन पड़ी गया जरूर। 212 पे देखिए एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं, पेज नंबर 213 पे यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों कॉलम आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। पेज नंबर 214 पे देखिए, पेज नंबर 214 पे एक भी पॉइंट आपका रिड्यूस नहीं हुआ। पेज नंबर 215 पे एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, तो ये था आपका 25% सिलेबस जो आपके 2021 की जो एग्जाम है इसके लिए क्या हुआ है, कोरोना की वजह से रिड्यूस कर दिया गया है। देखिए जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट करे थे वो पूरे के पूरे टॉपिक मैंने क्या कर दिए थे, हर एक चैप्टर में जो टॉपिक आपका रिड्यूस कर दिया है वो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। अगर आपके पास बुक हो तो हाईलाइट कर लीजिए, या बाद में मेरे वीडियो को फिर एक बार देख के आपके आपकी जो किताब होगी उस पर वो हाईलाइट करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कौन सा सिलेबस है जो आपको आपके एग्जाम के लिए आने वाला है, कौन से पॉइंट है जो आपको नहीं करने। देखिए ये जो पॉइंट है वो आपके सिलेबस के लिए कम कर दिए गए, यानी कि उस पॉइंट पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वो आपके सेल्फ स्टडी के लिए रखे गए क्योंकि वो आपका 11-12 का बेस है, तो उसे भी पढ़िएगा जरूर। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूं। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं।